इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के जो आंकड़े हैं बिल्कुल क्लियर ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से है नाराजगी। तो सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या सीएम पद का चेहरा बदलने वाला है, और अगली बात यह है कि क्या यह माना जाए कि महागठबंधन के लिए अच्छी या बेहतर खबर है। और यही बताने के लिए इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च की का जो आंकड़ा है इसी पर इस वक्त के सेशन की ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज, 49% जनता नीतीश से नाराज, तेजस्वी के नेतृत्व पर सिर्फ 18% लोगों को भरोसा, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर जनता ने किया है वोट, घोषणा पत्र के वादों का चुनाव पर अच्छा खासा असर नजर आया है, 49% जनता नीतीश सरकार से नाराज है। अगर नाराज है कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नीतीश कारगर नहीं रहे, क्या ये मानना है? करप्शन को लेकर के नीतीश से नाराजगी है, क्या ये मानना है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजली सड़क पानी के मसले पर नीतीश लाख कहते रह जाएं, लेकिन लोगों को सुशासन बाबू का असर नजर नहीं आया पिछले 5 साल में? या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश को यह मान लिया गया कि नीतीश तो पलटू राम है? इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का आंकड़ा नंबर 4, आप सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं, यह सवाल है। और इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के आंकड़े क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या कहता है? सीएम पद की कुर्सी पर नीतीश को दोबारा से देखना चाहते हैं 32% लोग, लेकिन नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दी है तेजस्वी यादव ने 34%, सुशील मोदी 9%, चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद का चेहरा 4% लोगों की पसंद, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के नेता पहले एनडीए में थे उसके बाद महागठबंधन में गए, महागठबंधन को छोड़ भी दिया, और बाकी इन पांचों के अलावा कुछ और चेहरे भी 18% लोगों ने बताया है। लेकिन हाँ, खबर यह है नीतीश कुमार को सीएम फेस के लिए कड़ी टक्कर दी है तेजस्वी यादव ने। जी हाँ, अपने आप में एक युवा चेहरा जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और बातचीत हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लगातार राशिद ये सवाल करते रहे कि पोस्टर में केवल एक ही चेहरा क्यों, तेजस्वी ही क्यों, इसके मायने भी हम जानेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, पैनल में वो तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार और खासकर सियासी मेहमान ये बताएंगे कि आखिर उन्हें अगर फायदा हो रहा है तो क्यों, और जिन्हें नुकसान हो रहा है तो क्यों। हमारे साथ मेहमानों का पैनल कौन कौन है राशिद, मैं चाहूंगा आप तारुफ कराएं। एक बार रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, बीजेपी से मनोज यादव मेरे साथ में हैं, एसके पांडे मेरे साथ में जुड़े हैं, जेडीयू के नेता संजीव कौशिक थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अंशुमन मोहन आरजेडी के नेता भी जुड़ने वाले हैं, शुभ्रा सुमन इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मनोज यादव जी के पास सबसे पहले जाना चाहिए। एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर के आए सीएम पद के फेस पर किस कौन है पहली पसंद बिहार की, लेकर के आइए कि सीएम फेस के तौर पर किसे देख, नहीं ये जो चौथा आंकड़ा है उसे लेकर के आइए। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल क्या कहता है, आप सीएम की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं, 32% कहा नीतीश, 34% बोले तेजस्वी यादव। मनोज यादव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार का चेहरा आप ही लोगों ने डाइल्यूट कर दिया? पोस्टर छपता था एनडीए का और चेहरा होता था नरेंद्र मोदी का, एड छपता था एनडीए का, चेहरा होता था नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का चेहरा कहीं पर दिखाया नहीं, और आज की तारीख में नीतीश से चेहरे के तौर पर काफी हद तक आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव, इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के ये आंकड़े बताते हैं। राकेश जी बोलिए। देखिए राकेश जी, ये लोकतंत्र का जो महापर्व था उसकी समाप्ति लगभग हो चुकी है, तो वोटिंग तीसरे चरण की वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है। राकेश जी, विषय यह है कि जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में, तेजस्वी ने अपने ना पिता का फोटो पोस्टर के अंदर ना अपनी माता जी का पोस्टर लगाया, जबकि उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, पत्नी भी मुख्यमंत्री रहे। इसी से अंदाजा लगाया, पारिवारिक मामला है ये, उनका पारिवारिक मसला है मनोज जी, उनके परिवार में, परिवार का विश्लेषण ना करें आप। वो अगर युवा है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि युवाओं को युवा ने ही लुभाया है, इसलिए ये प्रतिशत में आंकड़ा आपके सामने, पारिवारिक मसला है वो आपस में निपटे कि तेज प्रताप क्यों नहीं, माँ क्यों नहीं, पिता क्यों नहीं। जैसा कहा, मैं पारिवारिक मामला नहीं है, पारिवारिक मामला इसलिए नहीं है कि डर था तेजस्वी को, ऋषि रुकिए ना मनोज जी, जब एक सवाल किया जाए उसी का हम जवाब लेंगे।
मैं अपनी डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का रिजल्ट यह बताता है कि सीएम पद के चेहरे के तौर पर नीतीश से ज्यादा लोगों को पसंद है तेजस्वी यादव। अब आप यह बताएं, ये नाराजगी क्यों? देखिए, आपका सर्वे है, मैं स्वागत करता हूं इस सर्वे का, लेकिन एक बात समझ लीजिए, एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री के जो हमारे कैंडिडेट है वो नीतीश जी है। और नीतीश जी, आप देखिएगा 10 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हम लोग प्रचंड के बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं। मनोज जी, आप बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत वाकपटु हैं, आपके पास शब्दों की कमी नहीं होती है, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन एसके पांडे तो ईमानदारी से जवाब देंगे ना। एसके पांडे जी, क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार को भी यह समझ में आ गया था कि इस बार के चुनाव में अपनी अंतिम पारी खेलने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया था? तभी बीच बीच में गुस्से में आ जाते थे, तभी एंग्री यंग मैन भी बन गए, तभी पूर्णिया में अंतिम चरण के वक्त में यह भी कह दिया कि भैया देखिए ये तो मेरा अंतिम चुनाव है। क्या नीतीश को यह आभास हो गया था क्या कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कहीं पर भी एनडीए की सरकार टिक नहीं पाई, नाराजगी है? ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश जी राजनीतिज्ञ लोगों में सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने उम्र को देखते हुए सत्ता की राजनीति से कहा है कि मेरी अंतिम, पार्टी से उन्होंने नहीं कहा कि मैं पार्टी में नहीं रहूंगा और जेडीयू का नेतृत्व तो नहीं करूंगा। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने ये चुनाव की राजनीति है उसे अलग होने की बात कही है, न कि राजनीति से। मैं हैरान हूं ऋषि मिश्रा कि जितने चेहरे जदयू के नेताओं के उतनी बातें सुबह से लगातार, राशिद सुबह भी हम 4 घंटे लगातार जदयू के प्रवक्ता और नेताओं से बात करते रहे, किसी ने भी ये साफ तस्वीर नहीं दी कि नीतीश कुमार ने जो कहा है ये मेरा आखिरी अंतिम चुनाव है। लोग अपने अपने तर्क देते रहे। देखिए, मैं आपको 2014 अप्रैल 2014 का विधानसभा का वो वक्तव्य आपको बताना चाहूंगा, जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ। और क्या हुआ, उन्होंने अपना स्टैंड बदला। तो राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। बीच में ऋषि डीएनए की भी बात हो गई थी। हाँ, डीएनए की बात हो गई थी। हाँ। दूसरी बात, मैं जेडीयू इतना इंटैक्ट है उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जेडीयू के 2 सांसद हैं, भागलपुर से और सिवान से कविता सिंह हैं और भागलपुर से अजय मंडल हैं। दोनों सांसद एनडीए के प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेडीयू के एमएलए श्याम बहादुर सिंह नीतीश जी के मौजूदगी में कहा। और भागलपुर में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने खुद कहा कि जो यहाँ से भागलपुर से सांसद हैं एनडीए प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। ओके, ठीक है। कहना है कि एनडीए खुद इंटैक्ट। बहुत जल्दी संजीव कौशिक मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, ये तो डबल युवराज हैं। डबल युवराज यूपी में भी फेल हुए थे, लेकिन यहां पर युवराज ने ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम कर दिया है। क्या ये माना जाए एक स्टार्टिंग से ही तेजस्वी एक रणनीति के तहत चले हैं, किसी भी पोस्टर में नहीं, किसी भी पैम्फलेट में नहीं, किसी भी बुकलेट में नहीं, किसी भी कागज में कहीं पर भी लालू प्रसाद यादव का चेहरा नहीं दिखाया गया? और इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि उनके साथ में कई घोटाले जुड़े रहे हैं। क्या ये माना जाए कि यह भी रणनीति आरजेडी के लिए काम कर गई? देखिए, मेरा मानना यह है कि तेजस्वी यादव बहुत ही स्मार्ट राजनीति का उन्होंने अपना परिचय दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लालू यादव को पोस्टर से हटाया है और उनके लाइन में आप तब्दीली देखेंगे कि पहले वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, अब आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। पहली बात। और दूसरी बात कि उन्होंने उन मुद्दों को पकड़ा या उन मुद्दों को छुआ जो आज के युवा मतदाता जो है जिनको ज्यादा महत्व देते हैं, और युवाओं के जनमानस को उन्होंने एक तरह से टच किया और वो उनके पीछे पीछे हो लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यदि बिहार जाते हैं तो वो भी कुछ और बातें करते हैं, जंगल राज के युवराज के तौर पर बात करने लगते हैं। नीतीश कुमार प्रथम चरण से लेकर तीसरे चरण तक आते आते वो दुहाई मांगने लगते हैं कि नहीं ये मेरा आखिरी चुनाव है। बीच के दिनों में हमने खूब सुना है कि वो क्या कहते थे, उनकी सोच क्या थी, वो जिस तरह से आक्रमण करते थे और जिस तरह से ये कहते थे कि नहीं हमने विकास की राजनीति की है, और अपने आप को बड़े भाई मानने वाला अचानक दूसरे चरण के बाद से उन्हें छोटा भाई भी अपने आप को मानने में कोई गुरेज नहीं होने लगा। जाहिर सी बात है कि उनको इस बात का एहसास हो चुका था। लेकिन इन सबों के बीच में जिसका जवाब आप लेना चाहते थे मनोज यादव से, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े स्मार्टली एक ऐसा काट निकाला है और इस तरह से खोज निकाला है कि नीतीश बाबू के पर उन्होंने कर दिया है। हालांकि एहसास नीतीश कुमार को भी है। ठीक है, ठीक है। संजीव जी, राकेश कुमार सिंह, आप
तिरहुत में घूमे, आप मिथिलांचल गए, कोसी गए, सीमांचल भी होकर के आप आए, पूर्वी चंपारण गए, पश्चिमी चंपारण आप गए, तेजस्वी के चेहरे में आपको क्या नजर आया? ये वही बिहार है जिसने चेहरे पर बहुत बड़े अच्छे अच्छों की किस्मत बदली है। कभी कर्पूरी ठाकुर के चेहरे के नाम पर, कभी लालू प्रसाद यादव के चेहरे के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर, तेजस्वी के चेहरे में बिहार को क्या दिखता है? देखिए राशिद, साफ तौर पे जिस तरह से तेजस्वी यादव की बात करें, प्रथम चरण से जो तीसरे चरण तक जो उनका, हम पहले आपका जिक्र करना चाहेंगे कि प्रचार में जो एजेंडा उसने, जो नैरेटिव सेट किया, वो पहला उनका था कि बेरोजगारी, बेरोजगारी के मसले को लेकर वो जोर शोर से उठाया कि आखिरकार इस फ्रंट पर नीतीश सरकार पूरी तौर पर असफल रही। कानून व्यवस्था की बात करें, सड़क की बात करें, इन बिजली की बात करें, इन चीजों की बात वो नहीं करते थे। वो सीधे तौर पर नीतीश के शासन काल में बेरोजगारी कितनी बढ़ी, आखिर रोजगार के अवसर आखिरकार सरकार ने कितने दिए। दूसरी बात, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को मसले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते थे, और यही कारण था कि जब उनके रैलियों में मैं लोगों से बात करता था तो लोग कहते थे, रिजल्ट रोकना पड़ रहा है। अगला आंकड़ा, अगर आपने एनडीए को वोट किया तो आखिरकार क्यों किया? इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का ये अगला सवाल था बिहार की जनता से। आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए, नहीं ये नहीं जो सवाल मैंने अभी अभी किया है, बिल्कुल चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों से प्रभाव पड़ता है, ये हम दिखा चुके हैं। पीसीआर टीम, विशाल, अमित, ये हम दिखा चुके हैं। आपने अभी बताया है कि नया आंकड़ा आ गया है, अगर नया आंकड़ा आया है, इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल का नया आंकड़ा क्या कहता है, तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारे, नहीं है नहीं चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों से प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं, ये हम पहले चला चुके हैं। मैं फिर से कहूंगा, पैनल प्रोड्यूसर विशाल, पैनल प्रोड्यूसर अमित, आप लोग नया आंकड़ा टीवी पर उतारें, नया आंकड़ा उतारें, इंडिया न्यूज टीवी रिसर्च एग्जिट पोल में क्या नया आंकड़ा अभी नहीं हमारे पास में, ठीक है। राकेश अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए राशिद, तो साफ तौर पर, एक मिनट रुक जाइए, आ गया, अगर आप महागठबंधन की सरकार चाहते हैं तो क्यों नहीं, नहीं ये भी हम दिखा चुके हैं, नीतीश सरकार से नाराजगी, ठीक है अपनी बात आगे बढ़ाइए राकेश। अशित, तो साफ तौर पर जो तेजस्वी एक मझे हुए नेता की तरह अपनी रैलियों को संबोधित करते थे, उससे पहले जैसे ही अपने घर से निकलते थे तो पत्रकारों से जो बात करते थे उसमें मुद्दा जो रखा जाता था, जी आपको याद मैं दिलाना चाहूंगा कि जब 2015 के जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच जब गठबंधन हुआ था तो उस समय लालू प्रसाद यादव निकलते थे तो कहते थे कि जो आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण के मसले को लेकर बयान दिया था, हाँ। उसी को लेकर बयान दोहराया जाता था, और इस बार जो तेजस्वी ने वही फॉर्मूला अपनाया, जो एजेंडा अपना होता था, मैंने बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और उसी मुद्दे को उठाते थे, और इसका फायदा हमको लगातार दिख रहा था और लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे। राकेश, श्रेय लेने की होड़ में मुझे याद है जून की घटना थी और उसके बाद लगातार 2-3 महीनों तक राशिद हमने उस पर डिबेट भी की थी। शुभ्रा के पास चलते हैं। शुभ्रा, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत, बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, हमने महीनों इस पर डिबेट की, बीजेपी से आवाज उठी, नई एफआईआर हुई, डीजीपी सुबह से रात तक टीवी पर दिखते थे, न भूले हैं न भूलने देंगे। आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है बिहार की, सुशांत का मुद्दा कहाँ है? देखिए, जब खाने के लिए घर में अनाज नहीं होना मनीष जी, तो ये जो मुद्दे हैं ये लोगों को बाद में याद आते हैं, जब बाढ़ से लोगों का घर बह जाए और वो मुआवजे के लिए इंतजार करते रहें, सरकारों की राह तकते रहें, तब ये मुद्दे बाद में नजर आते हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा इससे मैं इनकार नहीं करती, लेकिन चूंकि हम लोग अभी चेहरे की बात कर रहे हैं, दो चेहरों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव शुरुआत से ये कहते रहे कि वो थक गए हैं, अब बिहार को संभालने की क्षमता, वो कुवत उनमें नहीं है। आखिर तक आते आते आप देखिए कि बार बार अगर एक ही बात को रिपीट किया जाए, नीतीश कुमार बीच में कई बार झुंझलाए, कई बार ऐसा लगा कि वो डिफेंड करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, और आखिरी चरण आते आते पूर्णिया में ही उन्होंने ये कह दिया कि देखिए ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, यानी कि तेजस्वी यादव जो कह रहे थे वो नीतीश कुमार ने आखिर आते आते माना। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं फिर से आपको बता दूं कि यहां पर आने से पहले ये जो पूरा बैटल है एक तरफा लग रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने, राकेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी का जो मसला उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नौकरियों को रोकना पड़ रहा है। अगला आंकड़ा आ गया है, अगर आपने एनडीए को वोट किया तो क्यों किया, इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का आंकड़ा क्या कहता है,
केंद्र सरकार के कामकाज, अगर हमने एनडीए को वोट किया है तो हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज, राज्य सरकार का कामकाज देखा है 9% ने, केंद्र का कामकाज देखा 16% ने, राम मंदिर का फैसला नहीं चला है 3%, सीए एनआरसी नहीं चला है 2%, कोरोना काल में जितना भी काम किया गया है 18% लोगों ने ये कहा है, और बाकी अलग अलग मसलों पर उन्होंने वोटिंग की है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एसके पांडे जी के पास में जाना चाहिए। एसके पांडे जी, बिहार में जनता ने अगर एनडीए को वोट किया है, उन्होंने नीतीश का काम नहीं देखा, उन्होंने काम देखा है केंद्र सरकार का, उन्होंने काम देखा है कोरोना पर केंद्र ने क्या काम किया, ये तो बहुत बड़ा फेल्योर है नीतीश कुमार के लिए। एसके पांडे जी, सुने क्या आप? जो किया है उस पर यहाँ की हाँ बोले 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 बोलिए 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 नीतीश कुमार ने जो किया है उस पर बिहार की जनता ने वोट दिया है। नीतीश कुमार ने 2011 में सेवा का अधिकार बिहार को दिया। नहीं नहीं, नीतीश कुमार वोट नहीं दिया। मेरी बात नहीं समझे आप, मेरी बात नहीं समझे आप। अगर आप नहीं समझ रहे हैं आपको फिर मैं समझाता हूँ, समझिएगा। हमने एक एग्जिट पोल किया, इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल है। हमने सवाल ये पूछा, जितने भी लोगों ने एनडीए को वोट दिया, हमने ये पूछा भैया ये बताइए आपने एनडीए को वोट क्यों दिया, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा भैया मोदी जी ने जो काम किया है ना बहुत बढ़िया है, उसी पर हमने वोट दिया है। लेकिन हमने जब ये पूछा नीतीश जी का काम, लोगों ने कहा नहीं, हमने केंद्र का काम देखा है, हमने बिहार सरकार का काम नहीं देखा। हमने कहा सुशासन बाबू, उन्होंने कहा नहीं, केंद्र वाले बाबू। हमने कहा नीतीश कुमार, उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली में बैठे हुए मोदी। यानी एनडीए में अभी भी बिहार में मोदी स्वीकार्य लेकिन नीतीश कुमार अस्वीकार्य हैं। एसके पांडे जी, एसके पांडे जी, दीवार पर लिखी लिखी इबारत ठीक तरीके से पढ़िए। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए का एक पार्ट है और केंद्र की सरकार ने जो काम किया है उसमें हमारी भी भागीदारी है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। हाँ। हम उनके साथ मिलके देश के विकास के लिए काम किया है। हाँ। क्या बिहार में नीतीश कुमार, आप पटना क्या स्थिति आज और 10 साल पहले का देखिए, उन्होंने क्या नहीं किया है। आप पटना में पाटलिपुत्रा खेल परिसर, बापू सभागार, ये पुलों का जाल बिछ गया है। ठीक है, 10 वर्ष पहले जो पटना का सलार कितना ही होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हमारे साथ में। हाँ, एक मिनट रुकिए, एसके पांडे जी रुकिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आज आप कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आपके चेहरे पर तो मुस्कान होनी चाहिए। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि डबल युवराज बिहार में चल गए हैं, आज तो आपकी बांछें खिली हुई होनी चाहिए, आज आज खुश तो बहुत होंगे आप। सुरेंद्र राजपूत जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हमको सुनाई नहीं देगा राकेश जी? राकेश नहीं, राशिद बोल रहा हूँ, राशिद बोल रहा हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी का राशिद ऑडियो ठीक किया जाए, हम जब तक चलते हैं मनोज यादव जी के पास। मनोज जी, जहां तक ये आंकड़े बताते हैं और प्रतिशत में जो कहा जा रहा है कि केंद्र के कामों को लोगों ने सराहा है, और बात की जाए केंद्र के कामों की तो जो मुद्दे उछाले गए या जिन पर बात की गई, गलवान से पुलवामा, 370, राम मंदिर, रफाल, पाकिस्तान, चीन, क्या आपको लगता है यही मुद्दे आपको जो प्रतिशत में आंकड़े दिख रहे हैं यही आपके काम? मुझे लगता है जनता ने आपके माने हैं कि ये काम आप लोगों ने ठीक किया। बिहार में बीजेपी का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ाया है और यही एक वजह है कि मनोज जी का भी नेटवर्क गड़बड़ सा हो गया है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज तो आप लोग बड़े खुश होंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था हम तो डबल इंजन देते हैं, ये डबल युवराज देते हैं। प्रधानमंत्री ने, जेपी नड्डा ने कहा हम तो एलईडी देते हैं, ये लालटेन देते हैं। जेपी नड्डा ने ये कहा ये लाठी उठावन रैली कराते हैं, हम तो विकास करते हैं। लेकिन आज बड़े खुश नजर तो आ ही रहे होंगे। हाँ, बड़े बड़े देखिए सुरेंद्र जी, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, नाराज बिल्कुल मत हुआ कीजिए, अब तो खुश होने का वक्त है, साधुवाद है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप हंसते हुए, हंसने वाले दिन भी आ गए हैं। बोले बोले अपनी बात बोले, दिल खोल करके बोलिए आप। देखिए राशिद भाई, 2-3 बातें बहुत क्लियर हैं। नंबर एक, जब आप मुद्दों से भटकते हैं, जनता को मुद्दे चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए,
जनता को आपकी ठोसरी बातें नहीं चाहिए। आपके पुराने अड्डे पे हलाई मैं आपको बहुत स्पष्ट दो तीन बातें कह देता हूं। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए था, बिहार की जनता को सड़क शिक्षा की व्यवस्था चाहिए थी, बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं हमारी बातों पर भरोसा किया और उनकी जुमलेबाजी पर। अब ये कौन सी बात होती है कि जंगल राज के युवराज, अरे भाई वही जंगल राज के युवराज आपको 10 तारीख को बुलाएंगे, आदरणीय मोदी जी आइएगा एक अभिभावक के रूप में, उस युवराज का राज तिलक कीजिएगा आकर के। हमारे युवराज तेजस्वी यादव उस दिन चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे और आप राज तिलक करेंगे आकर के, तो हमें अच्छा लगेगा, 10 लाख नौकरी भी देंगे। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, मनीष भाई राशिद भाई दोनों बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूं, हम आपको बहुत जिम्मेवारी से एक चीज कहना चाहते हैं कि थोथी बातें करने के वक्त चले गए। अब डबल इंजन की सरकार है या ट्रबल इंजन की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी तो चार चार गठबंधनों के साथ लड़ रही थी, एक उनका जेडीयू से था, एक उनका एलजेपी से था, एक उनका पता नहीं किससे था, और बिहार ने हमेशा देश को नई दशा और नई दिशा दी है। 2015 में भी देश को बदला था बिहार ने, आपको याद होगा मनीष भाई, लेकिन उस जनादेश का अपहरण कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। जो ये ट्रबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने खराब डीएनए वालों को साथ मिला करके उस जनादेश का अपहरण किया था, वरना तो बिहार ने पहले ही जनादेश दे दिया था। बिहार हर मामले में आगे रहता है, बिहार हमारा देश के बदलाव का सूचक है। आज बिहार बदलेगा, कल देश बदलेगा। हम बहुत जिम्मेवारी से, विनम्रता से बिहार वासियों अच्छा ये तो बताइए, अच्छा ये तो बताइए, अगर अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बाबू साहब के सामने पिछड़े वैसे ही सीना तान करके चलेंगे जैसा तेजस्वी ने बोला था कि भाई हमारे शासनकाल में बाबू साहब के सामने एकदम सीना तान करके चला करते थे? राशिद भाई एक चीज जानिए, आप एक बात बताइए, क्या सीना तान के चलने का हक सारे हिंदुस्तानियों को नहीं है? पूरा हिंदुस्तान सीना तान के चलेगा, कांग्रेस ने संविधान दिया है और कांग्रेस ने संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया है, नीचे से लेके ऊपर तक, राशिद से लेकर के मनीष अवस्थी तक, सब सीना तान के चलेंगे, कांग्रेस ने ऐसा संविधान दिया है और इस संविधान पर हमें गर्व है। अच्छा हम एक और बात बता, सुरेंद्र ठाकुर जी एक और बात बता दीजिए, चूंकि कांग्रेस की नाराजगी बहुत ज्यादा थी जब शुरुआत हुई, सोनिया गांधी ने कहा कि ये बंदी वाली सरकारें हैं, सोनिया गांधी ने कहा ये नोटबंदी वाली सरकार है, ये देशबंदी वाली सरकार है, ये पैसा बंदी वाली सरकार है, ये उद्योग बंदी वाली सरकार है, ये व्यापार बंदी वाली सरकार है, और खत्म होते होते राहुल गांधी ने ये कहा कि बिहार के चुनाव में ईवीएम नहीं चला है बल्कि वहां पर एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन चली है। अब ये तो नहीं कहेंगे ना, अगर जीत जाते हैं तो नहीं कहेंगे ना? हम राशिद भाई जिम्मेवारी से कहते हैं, चुनाव के परिणाम हमने, ये मनीष भाई ने हमारे साथ बहस की थी, मध्य प्रदेश के चुनाव, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी और राष्ट्रीय चुनाव में भी, आप उस वक्त किसी दूसरे चैनल पर थे, और मैं आज भी कह रहा हूं ईवीएम पर हमारे प्रश्न जारी रहेंगे। हम चुनाव जीतेंगे तब भी हम प्रश्न करेंगे, हमने महाराष्ट्र में भी प्रश्न किए ईवीएम पर, मध्य प्रदेश में भी किए, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी मशीन है, एक बहुत बड़े वर्ग को देश में उस पर भरोसा नहीं रहा। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि आखिरी व्यक्ति तक को भरोसा ईवीएम पर दे, आखिरी व्यक्ति तक भरोसा चुनाव आयोग पर होना चाहिए। आज और आज मेरे दिल को जानते हैं सुरेंद्र जी, सबसे ज्यादा तसल्ली और अच्छा क्यों लग रहा है, मुझे अपने मित्र सुरेंद्र राजपूत वही मिले हैं आज, जिन्हें मैं जो कुछ महीनों पहले जो मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, जो हंसा करते थे, जो मजाक में बातें किया करते थे, और ठीक है हो जाता है कभी कभी मूड खराब हो जाता है, मूड की ही बात है, देखिए आज मूड अच्छा हो गया, आपकी शाम बन गई, आपका दिन बन गया। लेकिन मनोज यादव बीच में बोलना चाहते हैं, इससे पहले कि मनोज यादव के पास में जाएं, संजीव कौशिक के पास में जाना बहुत, मनोज जी आ रहा हूं, संजीव जी नीतीश कुमार के बारे में एक ही बात कही जाती थी कि इंजीनियर तो थे ही और राजनीति में आए तो सोशल इंजीनियरिंग जम करके उन्होंने की है, एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जिसमें सामाजिक न्याय भी था, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, क्या यह माना जाए कि नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग इस चुनाव में उनके चेहरे के नाम पर फेल हुई है, और क्या यह माना जाए कि आरजेडी की सोशल इंजीनियरिंग जिसमें एम यानी मुस्लिम थे, वाई यानी यादव थे और वाई यानी यूथ थे, एम वाई वाई, ये वाली सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई है क्या?
इसी इलेक्शन में नीतीश बाबू को पता चल जाएगा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो आखिरी लाइन में ये जो जोड़ा गया था वो किस तरह से उनके साथ जुड़ा रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। पिछले इलेक्शन की बात अलग थी, पिछले इलेक्शन में जिस तरह से राजद उनके साथ था उस वजह से वो वोटर भी जुड़े थे जो जो सबका विश्वास वाली जो आखिरी लाइन थी वो खींचते चले आए। लेकिन इस इलेक्शन में बिल्कुल परिस्थितियां भिन्न थी। उस वर्ग की बात खास करके कर ले तो उस वर्ग का भरोसा नहीं रह गया इनके ऊपर शुरुआती दौर से ही, जिस तरह से इन्होंने साथ दिया। और नीतीश कुमार की स्थिति यही थी कि इनको बाहर से जितना ज्यादा चुनौती मिला, ये तो आप पिछले एक महीने पहले देख लीजिए तेजस्वी यादव को, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी यादव इस तरह से सारे लोगों को चुनौती देने के लिए कामयाब हो जाएंगे, देने में कामयाब हो जाएंगे और इतनी मजबूत पैठ बना लेंगे। पिछले एक महीने में जिस तरह से उन्होंने अपने संजीव जी दोबारा आपके पास में आएंगे। मनोज यादव कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी क्या मसला है, सीए नहीं चला, एनआरसी नहीं चला, राम मंदिर भी नहीं चला, जय श्री राम भी नहीं चला, चला ही नहीं, राम जी भी नहीं चले, सीता मैया का नाम लेना भी नहीं चल पाया। राम मंदिर का तो मैं बता देता हूँ, जो राम मंदिर पे तिथि पूछते थे, तारीख पूछते थे, वो अभी मजबूरन दाखिल हो जाते हैं की राजनीति पढ़ना है। सुरेंद्र राजपूत जी ने कुछ बातें कही, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता। ये यूपी के दो लड़के गए थे यूपी के अंदर, बोले यूपी में दो लड़के गए हैं, क्या हासिल हुआ था उत्तर प्रदेश में, सबको ध्यान में होगा। अभी ये बोल रहे हैं कि दो युवराज गए हैं, एक आरजेडी के युवराज है और एक कांग्रेस पार्टी के युवराज है। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले जातिवाद पर उतर आए थे। लालू प्रसाद यादव जी कहते थे पूरा वार को साफ करो, राजपूत ब्राह्मण ना मनोजी मेरी बात सुनिएगा आप, ठीक है। लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल ये कहा था भूरा बाल साफ करो, भूरा का मतलब ये है भू यानी भूमिहार, रा यानी राजपूत, हाँ बा यानी हाँ हाँ ठीक है। और लेकिन जब ये कहा था ना उसके बाद 15 साल किस तरीके से पीछे चले गए, हालांकि वो जमाना एक अलग सोशल इंजीनियरिंग का था। वर्तमान की बात की ना वर्तमान की बात करें, भविष्य की बात करें, यूपी के लड़कों की हम बात क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई, हम क्यों करेंगे। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के जो आंकड़े बता रहे हैं ना उस पर बात कीजिए। इतिहास में जाकर के अगर बात करेंगे मनोज जी, इतिहास में जाकर के अगर बात करेंगे तो इतिहास में जाकर के न जाने कितने सवाल आप पर भी खड़े होंगे। लेकिन अभी बात यही चल रही है कि क्या बूमरैंग कर गया, बात यही चल रही है क्या बूमरैंग कर गया। देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ना 3 में है ना 13 में, कांग्रेस क्या बात कर रहे हैं, हर राज्य में आप देखें पिछलों की पार्टी बनकर रह गई है। और बोल रहे थे सुरेंद्र राजपूत की जनादेश का अपहरण किया है, आपने महाराष्ट्र में क्या किया है, वहां भी आपने जनादेश का अपहरण किया है। अरे सजी मनोज जी सम्मान साधुवाद है आपको, मेरी बात सुनिएगा, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात करेंगे, मैं बिहार की बात करूंगा, मैं डिफोकस होऊंगा ही नहीं, मैं डिफोकस होता ही नहीं, मैं डिरेल होता ही नहीं, मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा ही नहीं। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी सिर्फ 1.5 मिनट के बाद आपके पास में आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, प्रधानमंत्री ने छपरा में यह बात बोली थी कि वोट एनडीए के लिए दें, वोट नीतीश कुमार के लिए दें, वोट जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को दें, नहीं तो बिहार में आ जाएगा लकड़ सुंघवा। लेकिन मनीष जी बिहार में तो ऐसा लग रहा है कोट अनकोट लकड़ सुंघवा आ रहा है। देखिए संकेत तो यही है, लेकिन सबको इंतजार है 10 तारीख की सुबह का, जब रुझान आना शुरू होंगे राशिद, और तब पता चलेगा कि बिहार के नतीजों की आंच बिहार से बाहर निकलकर पड़ोसी राज्य असम और बंगाल तक पहुंचेगी, जिसका सबको इंतजार है क्योंकि गृह मंत्री ने अभी से दस्तक देना शुरू कर दिया। 5 हेडलाइंस ले लेते हैं, हेडलाइंस के बाद अभी तक के जितने भी आंकड़े आए हैं उनका रिकैप हम दिखाएंगे। सारी प्लेट तैयार करके रखें, जो भी 5 या 6 अभी तक इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के आंकड़े आए हैं। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च का के एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता में नाराजगी है। नीतीश को नकारा तेजस्वी पहली पसंद है, इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं। 34% बिहार तेजस्वी को सीएम देखना चाहता है, बिहार ने नीतीश को नकार दिया है और बिहार ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम पद के तौर पर ठीक हैं, अच्छे हैं। सिर्फ 32% लोग नीतीश को फिर से सीएम पद पर देखना चाहते हैं। राम मंदिर सीए के मुद्दे को बिहार ने करीब करीब नकार दिया है, यानी राम मंदिर अंतिम चरण का चुनाव आते आते अंतिम चरण की जो लड़ाई है उसमें राम मंदिर भी आया, उसमें सीए की बात भी आई, एनआरसी की बात भी आई
और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर के वहां पर यह भी कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकाल करके रहेंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस तरह के जो अग्रेसिव बयान है उन्हें नकार दिया गया है? पुलवामा भी आया, गलवान भी आया, कश्मीर भी आया और रफाल भी आया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रफाल आया, लकड़सुंघवा आया, जंगल राज आया, लालटेन युग आया, एलईडी आया, अंतिम लड़ाई, रावण, डबल इंजन, डबल युवराज, लाठी भाजन, ये सब कुछ आया, लेकिन अभी तक इंडिया न्यूज और डीवी रिसर्च के आंकड़े क्या कहते हैं? टीवी स्क्रीन पर आप देखें कि हमने अभी तक कितने सवाल किए हैं और रिजल्ट क्या बताते हैं, टीवी पर लेकर के आया जाए। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च, चुनाव में आपके लिए कौन से मुद्दे अहम रहे? 28% ने कहा बेरोजगारी, महंगाई 24% ने बताया, खराब कानून व्यवस्था 12%, करप्शन 8%, शिक्षा 2% और 7% लोग ऐसे हैं जिनके लिए बिहार चुनाव में स्वास्थ्य अहम मुद्दा रहा है, यानी बेरोजगारी और महंगाई, दो मुद्दों पर वोटिंग की गई है, यानी धर्म भी नहीं चला है। अगर आपने एनडीए को वोट किया तो क्यों किया? तो फिर लोगों का यह कहना, ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाते हैं, लोगों का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है और उसी काम पर हमने वोट दिया है, राज्य सरकार का कामकाज 9% कहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कामकाज देखते हुए 16% लोग ये कहते हैं कि केंद्र के काम की वजह से हमने एनडीए को वोट किया है। लेकिन हाँ, राम मंदिर खारिज, सीए खारिज, एनआरसी खारिज, घुसपैठिया खारिज, क्योंकि महज 2% लोग ऐसे हैं जिनके जहन में जब एनडीए को यानी जेडीयू या बीजेपी को वोट दिया तो फिर उनके जहन में सीए या एनआरसी नहीं रहा है। कोरोना काल में जितना काम किया गया है, हाँ 18% लोगों ने अपने मैंडेट में इस बात को सुनिश्चित किया है कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से जितना भी काम किया गया है उसे भी एंडोर्स किया जाए, उसे भी स्वीकार किया जाए। अगर आप महागठबंधन की सरकार चाहते हैं तो आखिर क्यों? देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीतीश सरकार की नाराजगी 49%, या तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा 18% लोगों ने माना है, और प्रवासी मजदूर मामले को आखिर लोगों ने विफलता माना है। राशिद, ये बड़ी बात, प्रवासी मजदूर का मामला सबसे बड़ा मामला, मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम चेंजर भी साबित होता दिखाई दे रहा है। 11% सीए के विरोध में, 4% लोगों ने ये माना है कि हाँ सीए के विरोध में भी लोगों ने, आप अगर इन आंकड़ों को देखें राशिद, तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से लोगों में नाराजगी है। कौन से वादे पर भरोसा किया गया, ये नया आंकड़ा आया है, आपको किस वादे पर भरोसा? तो 41% लोगों को ये लगा कि महागठबंधन 10 लाख नौकरी का वादा, 41% लोगों का कहा कि हाँ ये प्रैक्टिकल वादा है। एनडीए का 19 लाख रोजगार का वादा, 26% लोगों को ही ऐसा लगा। कंफ्यूजन वाली स्टेट में 22% लोग रहे, दोनों में से कोई नहीं, यानी जिन्हें यह वादा समझ में नहीं आया या जिन्हें यह लगा कि इस वादे से उनका कोई सरोकार नहीं है, 11% जनता है। लेकिन हाँ, महागठबंधन 10 लाख नौकरी का वादा 41%, फिर से हम मनोज यादव के पास में जाना चाहिए, बीजेपी नेता मनोज यादव को तुरंत ही लेकर के आया जाए। मनोज यादव जी, बिहार की जनता ने जहन में यह रखा कि महागठबंधन ने जिस तरह से 10 लाख नौकरी का वादा किया है, ये स्वाभाविक भी है, ये वास्तविक भी है, ये प्रैक्टिकल भी है, और तेजस्वी अपने इस वादे को पूरा कर देंगे। आपको लगता नहीं नीतीश के एक बयान ने बड़ी गड़बड़ की है? नीतीश ने भरे बयान में यही पूछा था ना, पैसा कहां से आएगा, ऐसे ही किया था ना, पैसा कहां से आएगा। क्या नीतीश की अहंकार एनडीए को ले डूबा? तेजस्वी बोले 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश बोले पैसा कहां से आएगा। क्या ये जो होता है ना, ये ऐसे पैसा कहां से आएगा, क्या इस वजह से नीतीश को नकार दिया गया? मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दें। देखिए पहली विषय तो यह है कि अभी टीवी चैनल पर बैठ करके हमको बोलें कि जनता ने नकार दिया है, ये तो एक तरह से लोकतंत्र का अपमान होगा। 10 तारीख को आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, ये विषय तो यहाँ समाप्त देते हैं। दूसरा विषय ये है कि जो आपने कहा कि 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, सब 10 लाख सरकारी नौकरियों का उन्होंने कहा है। मुझे बताइए कि बिहार को बजट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की है, लेकिन भाजपा ने 19 लाख रोजगार की बात की है, 19 लाख रोजगार की बात की है, जबकि उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की है। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग 10 लाख रोजगार तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर हो सकता है, चूंकि इनका पुराना इतिहास है आरजेडी का, महागठबंधन का, ये हो सकता है कि 10-10 लाख रुपए लेकर के हम नौकरी देने वाले हैं। हो सकता है ये उनकी मानसिकता है, क्योंकि वो पुराना उनका इतिहास रहा है, जिस तरह उनका जंगल राज रहा, जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, रोजगार ठप था, कोई भी उद्योग धंधे वहां आना नहीं चाहते थे, इस तरह से आप देख रहे पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी वहां पर,
और अभी सुशासन बाबू नहीं, नहीं, नहीं। उद्योग धंधे तो नीतीश लगाना ही नहीं चाहते थे, और अगर अगर लगाना वाकई चाहते ना, अगर वाकई में लगाना चाहते और उसके जरिए अगर नौकरी देना चाहते तो 15 साल बहुत होते हैं। और हाँ, नीतीश ने चंद दिनों पहले ये भी तो कहा था ना, उद्योग धंधे वहां पर लगते हैं जो इलाका समंदर से लगा हुआ होता है, ज्योग्राफी पर आ गए थे, पहले नहीं बोला था। लेकिन जनता के दरबार में जब जवाब देना होता है तो नीतीश ने बड़े उल्टे सीधे बयान तो दिए हैं। एस के पांडे जी, आपको लगता नहीं नीतीश ने अंतिम समय में जिस तरह से विवेक खोया, नीतीश के कई फैसले ऐसे रहे जो एनडीए पर बहुत भारी रहे हैं? ऐसा है कि तेजस्वी जी का जो घोषणा 10 लाख नौकरी देने का है, आप उस पर आइए, 10 लाख नौकरी बिहार में आपका जो एक साल का बजट है, अगर उनको एक ग्रुप डी की नौकरी ही दी जाए जिसका कम न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और आज के डेट में 17% डीए है, 22-24 हज़ार रुपये पड़ेगा एक आदमी पर महीना में, और करीब करीब 3 लाख रुपया पड़ेगा पूरे साल में। तो क्या 10 लाख लोगों को अगर ग्रुप डी की ही नौकरी दी जाए तो बिहार सरकार इसकी व्यवस्था कर सकेगी क्या? है हमारा बजट, नीतीश जी ने जो बोला कि पैसे कहाँ से आएगा, उन्होंने अहंकार में नहीं बोला, वास्तविक बात उन्होंने बोला। और तेजस्वी जी ने ये जो नौकरी के चाह में जो लड़के हैं उनको बरगला रहे हैं, 10 लाख नौकरी कभी भी किसी भी सरकार द्वारा अच्छा बिहार में आज इसका मतलब यह है कि उन्होंने छोटा झूठ बोला, सरकारी नौकरी अच्छा, दी जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है जब बड़ी ईमानदारी से कोई बात कही जाती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप भी यही कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, आप भी यही कह रहे हैं कि किस तरह से, इसका मतलब यह है कि आपका जो घटक दल है बीजेपी, नहीं उनसे भी बड़ा झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा 10 लाख, ये बोले 19 लाख। ऋषि मिश्रा आ जाइए आप। राशि जी, इसमें एक बात है, आप नहीं बीजेपी ने सरकारी बीजेपी सरकारी नौकरी का नहीं कहा, सुनिए सुनिए, बिहार सरकार रोजगार के लिए कहा, बिहार सरकार की बजट मुझे लगता है 2.25 लाख करोड़ की है। नौकरी और रोजगार में सब अंतर होता है, साहब बोलूं मनोज जी एक एक करके, ओवरलैपिंग नहीं, टीआरपी नहीं चाहिए मुझे, मुझे टीआरपी चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए। ऋषि मिश्रा बोलिए। मैं ये मनोज जी आपको बताना चाहता हूँ कि 2.25 लाख करोड़ बिहार का बजट है, और 2.25 लाख करोड़ जो बजट है उसमें से 40%, ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देंगे, 40% राशि वापस। ऋषि मिश्रा, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च एग्जिट पोल बहुत बड़े आंकड़े आ गए हैं। किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं, एनडीए को कितनी सीटें मिली, महागठबंधन के खाते में कितनी, और ये देखें आप, एनडीए के खाते में 110 से 117 के बीच, महागठबंधन 108 से 123, एलजेपी के खाते में 4 से 10, अदर्स यानी अदर्स में आप इसमें पप्पू यादव को ले लें, आप असदुद्दीन ओवैसी को ले लें, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को ले लें, अदर्स के खाते में 10 से 23। फिर से कहना चाहेंगे 100, अगर मैं गलत नहीं, मुझे याद आ रहा है 122 जो है बहुमत का जादुई आंकड़ा है, महागठबंधन के खाते में 108 से 123 सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी महागठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा चुनाव और बहुत बड़ी चुनावी सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए। पिछली बार जब 2015 के आंकड़े पर आप जाते हैं तो फिर उनमें जेडीयू के खाते में 71, आरजेडी 80, बीजेपी 53, कांग्रेस के खाते में 27 गई थी, लेकिन आप कंपेयर करके देख लीजिए, एनडीए 110 से 117, महागठबंधन 108 से 123, और इंडिया न्यूज के जो आंकड़े हैं, इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के आंकड़े बता रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार मुकाबला कांटे का है। राशिद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, किसको मिले कितनी सीटें आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके अपने चाहते चैनल इंडिया न्यूज पर। एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन है 108 से 123 सीटें, राशिद जैसा आप कह रहे थे कि बहुमत के लिए 122, फोटो फिनिश वाला मामला दिखाई दे रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए 110 से 117 पर सिमटती नजर आ रही है। एनडीए का मतलब यह है जिसमें जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी है, वीआईपी और हम है, महागठबंधन जिसमें है कांग्रेस, जिसमें है आरजेडी, जिसमें है लेफ्ट पार्टियां, 108 से 123, 108, और हां सीट शेयर पर भी आ जाइए, फ्रैक्शन तोड़ करके हम दिखाएंगे।
जेडीयू 2835, यानी जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान है मनीष जी, बहुत बड़ा नुकसान। जेडीयू जिसने 2015 में 71 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सुपर फ्लॉप जेडीयू रही है, 2835 सीटों पर आकर के अटक गए हैं। बीजेपी ने पिछली बार की तरह ही, बीजेपी को हालांकि ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 72 से 80 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी एक, क्या ये माना जाए कि, और इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर यानी जीतनराम मांझी की पार्टी एक सीट मिलती नजर आ रही है। कुल मिला जुला करके एनडीए का ये आंकड़ा है 110 से 117। क्या महागठबंधन का भी आंकड़ा है, क्या महागठबंधन का भी फ्रैक्चर्ड आंकड़ा है? ठीक है, महागठबंधन का आंकड़ा हम बाद में दिखाएंगे, और फिर से टीवी स्क्रीन पर इसको बना करके रखिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई आंकड़ा नहीं हो सकता। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च एग्जिट पोल ये बताता है कि जेडीयू के खाते में 28 से 35 सीटें जाएंगी। 2015 से आप कंपेयर कर लीजिए, 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, इसका मतलब यह है कि लगभग आधी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में 72 से 80 सीटें, बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा बेहतर होने जा रहा है, और बीजेपी ये माना जाए कि एनडीए में बिहार में बिग ब्रदर बनने वाली है। वीआईपी एक, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक, कुल मिला जुला करके एनडीए का जो सीट शेयर है 110 से 117 के बीच ही सिमटता नजर आ रहा है। बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122, सुरेंद्र राजपूत के पास तुरंत ही हमें जाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, राजनीति में कहते हैं एक चीज होती है अंगड़ाई, अगर आप 5 साल में लें थोड़ी सी आती है, अगर 10 साल में लें थोड़ी और ज्यादा आती है, 20 साल में लें थोड़ी और ज्यादा आती है, और आपकी अंगड़ाई तो मेरे ख्याल से 31 साल के बाद आने वाली है। बहुत ही अच्छी वाली अंगड़ाई आती होगी आपको, अच्छी वाली जबरदस्त, 3 दशक की नींद के बाद में सो करके जब उठेगी कांग्रेस तो ये लगेगा कि हाँ, बिहार के सरजमीं पर कुछ तो हमें मिला, हालांकि बीच में 16 महीने आपने राज किया है। सुरेंद्र भाई, राशिद के साथ मेरा एक और सवाल है, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे कोई सवाल नहीं किया है। सुरेंद्र जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है जी, तो राशिद के सवाल को जोड़कर मेरा सवाल है, और इसके बाद बताएंगे कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आखिर सीटें कैसी होंगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे, आखिर पंजा लालटेन हाथ में लेगा? विपक्ष तो ये कह रहा था लालटेन गइल बा, अब ये दिख रहा है कि लालटेन आ गइल बा। देखिए मनीष भाई, सच बात ये है कि इकलौता हमारा गठबंधन ऐसा था जिसने बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ा पूरे गठबंधन के साथ। हमारे गठबंधन का सिर्फ एक नेता है, वो है तेजस्वी यादव, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चतुराई से 4-4 गठबंधनों से चुनाव लड़ा। एक गठबंधन उनका जेडीयू के साथ था, एक गठबंधन एलजेपी के साथ था, एक गठबंधन कुशवाहा के साथ था, और एक गठबंधन उनका एमआईएम के साथ था। एक दूसरे को हराने के लिए एलजेपी नीतीश को हरा रही, नीतीश बीजेपी को हरा रहे। सच बात यह है, हम अभी भी एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा नहीं करते, और इन पोलों से कहीं ज्यादा हम लोग जीतेंगे। एक बात मैं मनोज यादव जी की भी बात का जवाब दे दूं, तो सच बात है कि हमारे युवराज हैं, हमारे युवराजों को उनके माँ बाप ने मनोज जी बड़े लाड प्यार से पाला है। हमारे युवराज को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माँ बाप की तरीके से, फकीरों की तरीके से नहीं पाला है। हमारे युवराज बहुत लाल जी, व्यक्तिगत ना हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो, माँ बाप किसी के भी हो, ममता के आंचल में पालते हैं, व्यक्तिगत ना हो। महागठबंधन क्या कह गए, सारी आवाज नीचे, सिर्फ मेरी आवाज, मनीष जी की आवाज, सारी आवाज नीचे की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर राशिद, महागठबंधन की सीटों पर आ जाते हैं। आरजेडी को 78 से 85 सीटें, आरजेडी यानी पिछली बार भी आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, कांग्रेस के खाते में 21 से 27 सीटें जाती नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, अगर महागठबंधन के लिए किसी ने अच्छा और बेहतर काम किया है तो लेफ्ट पार्टीज ने किया है। जिस माले को लेकर के ये कहा जा रहा था कि ये तो कम्युनिस्ट वाले हैं, ये तो लाल सलाम वाले हैं, उन्हें भी 6 से 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, और सीपीएम को 3 से 4 सीटें, यानी महागठबंधन का जो आंकड़ा है आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टीज, महागठबंधन का आंकड़ा 108 से 123 का बनता हुआ नजर आ रहा है। 122 बहुमत का जादुई आंकड़ा है। इसका मतलब यह है कि सोशल इंजीनियरिंग, इलेक्शन मैनेजमेंट दोनों ही तेजस्वी के पूरी तरह से काम कर गए हैं। और हाँ, तेजस्वी ने बागडोर महागठबंधन के अपने हाथ में लेकर के रखी थी, इतनी कम उम्र में अगर तेजस्वी ने इतना बड़ा काम किया है, और वाकई में अगर इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च के ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर 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 ये असल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो ये अपने आप में पूरे देश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी नजीर मनीष जी होगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है, तेजस्वी का तेज काम करता दिखाई दे रहा है, ये एग्जिट पोल है, नतीजों के आंकड़े नहीं।